नमस्कार दोस्तों ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है कुछ चीजों की चर्चा इधर काफी चलती रहती है दिल्ली में भी दिल्ली के बाहर भी और ऐसे किस्सों में एक और बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि साहब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं पर जाते हैं यहाँ तक के यूएन में या इस तरह के वैश्विक मंचों के कार्यक्रमों में भी शामिल होने के लिए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जो बायलैटरल टॉक्स होती हैं अलग अलग देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके साथ वो भी कम महत्व की नहीं होती हैं तो ऐसे अवसरों पर जो पूर्व के प्रधानमंत्री थे उनकी तरह नरेंद्र मोदी दिल्ली के पत्रकारों को संपादकों को अपने साथ विमान में क्यों नहीं ले जाते हैं क्योंकि मैं भी दिल्ली में पिछले करीब करीब 22 साल से तो हूं और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे जब मैं लोकसभा कवर करता था और कई मंत्रालय मेरे पास हुआ करते थे कई स्टेट मेरे पास हुआ करते थे लोकसभा में मैं कवर करता था और कांग्रेस पार्टी भी कवर करता था जो उस समय विपक्ष में थी तो यहाँ की जो रीति नीति है उससे मैं बहुत बेहतर तरीके से परिचित हूं जब उस समय अटल जी जाते थे तो उनके विमान में भी पत्रकार विदेश यात्राओं पर जाते थे वहां से कवरेज करते थे मौज मस्ती भी होती थी अटल जी की सरकार जब गई 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उस समय तो बिल्कुल कहना चाहिए कि खुला खेल फरूखाबादी हो गया हर तरह की सुख सुविधाएं जो हैं वो पत्रकारों को मिलती थी देश के भीतर भी और देश के बाहर भी तो उस समय ये किससे आम है मतलब राजनीतिक गलियारों में कि जब दिल्ली से विमान टेकऑफ करता था पत्रकारों को लेकर के और आ, कुछ PIB के अधिकारी और कुछ दूरदर्शन और इस तरह के एसपीजी के लोग भी होते थे तो टेक ऑफ करने के बाद जो है फिर बोतलें खुल जाती थी विमान में ही और जिस देश में लैंड करता था विमान तो वहां भी फाइव स्टार होटलों में रुकना तमाम तरह की वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराना पत्रकारों को घूमने का बंदोबस्त कराना डॉलर प्रदान करना के भाई खर्चों में कोई कमी ना रहे किसी तरह की हर तरह की चीजों का ख्याल रखा जाता था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बंद क्यों कर दिया इसका बड़ा दिलचस्प खुलासा किया है उनके प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र ने स्मिता प्रकाश जो ए की एडिटर हैं, उनके साथ जो उनका पॉडकास्ट हुआ है जो इंटरव्यू हुआ है उसमें उन्होंने ये खुलासे किए हैं कि नरेंद्र मोदी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अचानक लुटियन मीडिया के पत्रकारों को प्रधानमंत्री के विमान में चढ़ाने से और यात्रा कराने से क्यों मना कर दिया वो बड़ा दिलचस्प किस्सा सुना रहे थे उनका कहना था ये कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और पहली विदेश यात्रा पर जाने वाले थे तो उनको पत्रकारों की एक लिस्ट उपलब्ध कराई गई कि ये पत्रकार अलग अलग मीडिया हाउस से हैं जो आपके साथ यात्रा करेंगे उस देश की तो उस समय तो नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया वो लिस्ट देखी सरसरी तौर पर और उसको रख दिया बाद में जब यात्रा का दिन बिल्कुल करीब आ गया तो निरपेंद्र मिश्र ने उनसे उस लिस्ट के बारे में और पत्रकारों के बारे में पूछताछ की प्रधानमंत्री से पूछा कि क्या करना है तो प्रधानमंत्री ने उनसे सीधा सवाल किया कि अगर हम इन पत्रकारों को ना ले जाएं तो तो नरपेंद्र मिश्र ने जो एक ब्यूरोक्रेट का आमतौर पर जवाब होता है उन्होंने कहा कि साहब इससे जो पत्रकार बिरादरी है जो मीडिया हाउसेज हैं उनमें नाराजगी होगी आप क्यों नाराज करना चाहते हैं मीडिया को तो नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा कि ये जो प्रधानमंत्री के विमान में सवार होकर के अलग अलग मीडिया हाउस के पत्रकार और संपादक जाते हैं ये अपने खर्चे बचाते हैं और सरकारी पैसे पर मौज करते हैं और विदेश यात्राएं करते हैं तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अब से कोई भी मीडिया हाउस का खास तौर से प्राइवेट जो मीडिया संस्थान है उनका कोई संपादक कोई पत्रकार प्रधानमंत्री के विमान में विदेश यात्राएं नहीं करेगा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा जा रहा था कि मीडिया हाउसेस या पत्रकार आपसे नाराज हो जाएंगे अगर आपने उनसे ये अधिकार और सुविधा छीन ली तो इसकी नरेंद्र मोदी ने कोई परवाह नहीं की उन्होंने कहा कि अब से ये नहीं होगा अगर उन्हें हमारी कवरेज के लिए यानी देश के प्रधानमंत्री की कवरेज के लिए अपने लोग भेजने हैं तो अपने खर्चे पर भेजें और जैसे बाकी लोग यात्रा करते हैं विदेशों की ऐसे ही वो जो यात्री विमान है उनमें यात्रा करें और अपने खर्चे पर ही वहां जाकर के होटल में अपनी व्यवस्था करें पहले क्या होता था कि पीएमओ ही सारी चीजों की व्यवस्थाएं करता था यानी विमान में इनकी यात्रा की व्यवस्था खाने की पीने की रहने की वहां महंगे होटलों में रहने की और वहां घूमने की भी सारी व्यवस्था जो है वो भारत सरकार और पीएमओ की चिंता में शामिल हुआ करता था तो नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में लुटियन मीडिया के उन तमाम जो कॉलर खड़े करके ये दावे करते थे कि हम प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर गए थे और ये भी दावे करते थे कि हमारी पीएमओ में बड़ी पहुंच है वो सब एक ही झटके में खत्म कर दिया अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार